सम्मान करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। तेरे मेरी बंदगी है, जैसे आप यहां से जानकारी करके चले जाओ कि हमको यानी समझ लो कि बांग्लादेश जाना है या हमको भूटान जाना है। अब दूसरे देश में जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप पढ़ करके तो जा सकते हो, कोई बताएगा तो वहाँ जा सकते हो, लेकिन वीजा पासपोर्ट आप जब दिखाओगे तभी अंदर जाने पाओगे। अब आप समझ लो कि कोई असरदार आदमी मिल गया, जैसे आप समझो कि उसकी कोई रोक टोक नहीं है, अब उसके साथ आप चले गए तो आप उसके साथ निकल जाओगे। देखो पति के साथ पत्नी होती है तो पत्नी को नहीं रोकते हैं लोग, चले जाने देते हैं, पति के साथ पत्नी चली जाती है। कोई अधिकारी है और उसका पिया है चपरासी है, लड़का है चपरास, तो उसको नहीं रोकते, जाने देते हैं। ऐसे ही जब सदगुरु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, वो मुहर लगा देते हैं, तब रोक टोक नहीं होती है, नहीं तो रोक टोक भी होती है। इसीलिए किताबों में पढ़ करके अन्य लोग नहीं जा पाए और अब भी अटके हुए हैं ऊपरी लोकों में, अब भी पड़े हुए हैं। अब वो तो भूल भी गए कि ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ जैसा दुख तो वहाँ है नहीं, न वहाँ कोई रोना धोना है, न कोई वहाँ पर बीमारी है, न कोई वहाँ पर यानी समझो अशांति है, वहाँ तो शांति है। तो वो उसी में पड़े हुए हैं, संतुष्ट हैं, जैसे किसी को कोई यानी खाने की रहने की दिक्कत ना हो, बढ़िया बंगला हो, खाना बगैर मांगे मिल जाता हो, जहाँ जाना हो गाड़ी घोड़ा पर जाता हो, ऐसी गाड़ी हो जिस पर झटका भी न लगे, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए गाड़ी, तो वो तो उसे संतुष्ट रहेगा। उसको भगवान और ये सब कोई समझ में नहीं आते हैं, तो कहते सुख है हमको इसी में। ऐसे ही ऊपरी लोकों में वहाँ तो वही पड़े रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप ये समझो प्रेमियों कि खर चक्र इसमें, आप ये समझो केवल इसी मनुष्य शरीर में, गुदा चक्र सबसे नीचे जहाँ से मन त्याग करते हैं, इंद्रिय चक्र जहाँ ये मूत्र की जगह है, और नाभि चक्र ये यहाँ पर है, हृदय चक्र यहाँ पर है सीने में और कंठ में, यानी यहाँ पर यहाँ भी चक्र है, और एक आज्ञा चक्र है जिसको तीसरा तिल कहा गया, पिंडी दसवा द्वार कहा गया, एक चक्र वहाँ भी है। तो अब आप ये समझो कि जीवात्मा वहीं बैठी हुई है और वहीं से शरीर को जीवात्मा चलाती है, उसकी ताकत से ये शरीर चलता है। वहाँ से ताकत उतरी, कहाँ आई, आँखों के पास आई, यहाँ से कान के पास, मुंह के पास, फिर यहाँ कंठ के पास ताकत आ जाती है और ये चक्र चल पड़ते हैं उसकी ताकत से, और फिर उसके बाद फिर ये नीचे उतरती है, यहाँ हृदय में ताकत आती है, फिर ये चक्र चल पड़ता है, और फिर यहाँ नाभि में ये चक्र चल पड़ता है, फिर ये इंद्रिय का चक्र चलता है, फिर उसकी ताकत से गुदा का चक्र चल पड़ता है। जीवात्मा सिस्टम से आती है, जैसे जीवात्मा ऊपर से सिस्टम से ही उतरी, घबराई या जीवात्माएँ बहुत घबराई अपलाई, जब इनको नीचे सत्पुरुष को भेजना हुआ रचना करने की मौज हुई, तब ये जब घबराई तो इनको रोक दिया, जब कुछ दिन वहाँ रह गई सेट हो गई, तब फिर इनको नीचे उतारा शब्द के द्वारा, वो शब्द ऊपर का छूट गया, फिर नीचे शब्द के द्वारा
यानी उतार दिया। और फिर जब यहाँ कुछ दिन रही, सेट हो गई, ऐसे सीढ़ी सीढ़ी ये नीचे आ गई, पांच स्थान ऊपर, पांच स्थान नीचे, बीचों बीच में ये जीवात्मा पूरे अपने परमात्मा की ताकत में बैठी हुई है। अब आप ये समझो कि मन त्रिकुटी में लग गया और तब से ये इसके साथ लगा हुआ है। दस प्रकार के प्राण बताए गए, प्राण क्या है, यह हवा है, कहते हैं इनकी हवा निकल गई, प्राण जो है वो हवा ही है। और प्राण कई तरह के बताए गए, प्राण अपान समान ब्यान देवता धनंजय क्रूर क्रेकर शेर, बहुत दस प्रकार के प्राण बताए। पांच प्रकार के प्राण नीचे की तरफ हैं, पांच प्रकार के प्राण ऊपर की तरफ हैं। ये जब नीचे के प्राण निकल जाते हैं ऊपर, इनको मालूम हो जाता है तत्व खत्म हो जाएगा, तब ये जब निकल जाते हैं तब इसमें सड़न गलन बदबू आने लगती है। और ये प्राण जब नीचे रहते हैं, हवा जब रहती है, तब चैतन्यता तो नहीं रहती है, जीवात्मा तो निकल जाती है ऊपर, लेकिन सड़न गलन बदबू नहीं पैदा होती। और ये नीचे के प्राण जब रहते हैं तो प्राण को होश रहता है, जीवात्मा भी यानी जो ऊपर के प्राण हैं वो जीवात्मा को भी याद दिलाते रहते हैं कि तुमको नीचे चलना है, नीचे उतरना है। मन को भी ये रहता है नीचे चलेंगे तो वहाँ पर हमको खाने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर तो मन को खुराक उतना मिलता नहीं है जितना इंद्रियों पर मिलता है, उसको रस मिलता है। जैसे आजकल खाने में लगे हुए हो, मन उसमें लगा हुआ, आँख देखने में रस मिल रहा है, मन को सुनने में रस मिल रहा है, गाना बजाना निंदा बुराई में देखो कितना मन लगता है, सुनने का ही मन करता है, एक दूसरे क्या निंदा बुराई करे, गंदी चीज़ों को जो किस्सा कहानी के रूप में बतावे उसी के पास मन कहता है चलो इसी के पास बैठें। गलत काम करने के लिए जो प्रेरणा देता है उसी की बातों को सुनने का मन कहता है, गलत चीज़ों को देखने के लिए जो प्रेरणा देता है मन कहता है चलो उसी के पास चलो, वो चलेगा दिखाएगा सुंदर सुंदर चीज़ों को दिखाएगा, सुंदर मूर्त को दिखाएगा, स्त्री पुरुष को सुंदर दिखाएगा। ऐसे ही आप ये समझो चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, ये मन यानी समझो भोगी मन हो गया। अच्छा खाने के लिए कहता है, आप ये समझो भोग करने के लिए मन ये कहता है भोगी हो गया, भोग वासना मन में बसी मेरे, दर्शन क्यों न जाए, भजन क्यों न जाए, गाया गया ना प्रार्थना में। तो अब आप ये समझो कि यहाँ का तो भोगी हो गया, यहाँ तो रस मिल रहा है, लेकिन ऊपर सूक्ष्म मन होते हुए भी, अंडे मन होते हुए भी, यानी समझ लो कि उसको इस तरह की याद आ जाती है, उधर हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है मन को, क्योंकि वहाँ भी सूरत के साथ रहता है, तो वहाँ जो सूरत का रस है वो खुशबू है लिंग शरीर, और सूक्ष्म शरीर में आप ये समझो यानी वहाँ पर यानी सूक्ष्म शरीर में दृष्टि का भोग है और कारण शरीर में श्रवण का शब्द का भोग है, तो वो अंडी मन यानी ब्रह्मांडी मन आप ये समझो ये पिंडी मन ये मन है, तो कमज़ोर तो हो जाता है, रस में उसको आनंद तो मिलता है, लेकिन इधर की याद नहीं भूलती है उसको, प्राण यानी समझो जब तक इस शरीर के अंदर रहते हैं तो ये खींच करके फिर आ जाते हैं और जीवात्मा फिर आ जाती है। और फिर अगर ध्यान नहीं रहा, गुरु की बातों को याद नहीं रखा गया, तो फिर ये जीव फंस जाता है। यही देखो अच्छे अच्छे साधना करने वाले लोग भी फंस गए। तो आप ये समझो यही जीवात्मा जो यहाँ बैठी है यही शरीर को चलाती है, आप ये समझो यही पूरे शरीर का मालिक है। इंगड़ा पिंगला सुषमना ये तीन नाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पर जहाँ पर जीवात्मा बैठी है यहीं पर ये ऐसे तीनों ऐसे जुड़ी हुई हैं, यानी समझो कि उसको जड़ और चेतन का गांठ कहा गया है जगह को, तो वहीं से ये ऐसे फैली। किधर से आई हैं? रीढ़ की हड्डी, कहते हैं रीढ़ की हड्डी हैं ये, रीढ़ की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी इधर उधर खिसक गई, देखो आदमी उठ बैठ नहीं पाता, सिर और रीढ़ की हड्डी यही तो दो मुख्य चीज है। यहाँ से ऊपर ब्रह्मांड समझो बताया गया, इधर की तरफ का यह सिर है यहाँ का पूरा हिस्सा,
और ये रीढ़ की हड्डी है। बोले रीढ़ की हड्डी टूट गई। बोले अब गए, अब नहीं खड़े हो सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। और सिर फूट गया तो बोले गए, अब ये क्या बचेंगे। तो अब आप ये समझो कि रीढ़ की हड्डी के किनारे किनारे से ये यहाँ कहाँ आई है, बुढ़ा, यहाँ से मल निकलता है, वहाँ से यह नीचे अंगूठे तक यानी शरीर को जीवात्मा चलाती है। इधर नाड़ियाँ जो यहाँ पर नीचे बुढ़ा चक्र पर आई हैं फिर वापस हो जाती हैं, और इनमें शाखाएँ निकल गई। 72,000 नसें हैं पूरे शरीर में, तो वो इन अंगों को चलाती हैं, आँख को, कान को। अब इतना बताने का समय नहीं है कि कौन सी नस कहाँ तक गई है, लेकिन वहीं से नीचे से कान तक, नाक तक, मुंह तक, और ये सब नसें सब फैली हुई हैं, तो ये शरीर को चलाती हैं। अब इन चक्रों का भेदन पहले लोग करते थे, चक्रों को लोग रोकते थे। तो जब चक्रों को रोकते थे तो देवताओं का दर्शन होता था। देवता कहाँ पर हैं, हैं तो अपने लोक में ऊपर, लेकिन उनकी छाया सबके इन चक्रों पर पड़ती है। जैसे गणेश जी का स्थान कहाँ बताया, लोगों ने देखा नहीं उनको, उनकी परछाई देखा। तो परछाई जो होती है वो भी ठीक वो उन्हीं की तरह से लगती है। जैसे वीडियो में कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो चेहरा देखते हो तो लगता है बिल्कुल ये सामने खड़े हैं, ये देखो हमको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, आँख से मुंह से क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या भाव बता रहा है, आँख से देखो आंसू गिर रहा है, तो कहते हो आज हमने इनको देखा, यानी देखो ये दुबले हो गए, ये देखो बहुत रो रहे थे, ये देखो लड़की बहुत बीमार है, बहुत दुखी है, ये देख करके आप कहते हो लगता बिल्कुल वैसी है। ऐसे ही छाया है, दर्शन कहाँ होता है उनका, आँखों के ऊपर जो रास्ता गया हुआ है वहाँ होता है, ऊपर की तरफ, आज आपको बताऊँगा। तो आप ये समझो कि देखा लोगों ने तो कहा अरे भाई ये गणेश जी हैं, चार दल कमल पर बैठे हैं, यहाँ देखो धूप आरती हो रही है, आप समझो इस तरह का लाल रंग का यानी ये कपड़ा पहने हुए हैं, ये देखो ये कमल इस तरह के हैं, देखो ये पूरब की तरफ इंद्र देवता बैठे हैं, दक्षिण की तरफ यमराज देवता बैठे हैं, देखो ये कुबेर बैठे हैं उत्तर की तरफ, इस तरह से देखते हैं। तो बता दिया लोगों ने कि देवता ऐसे ही हैं, इस तरह के हैं। वहाँ पर यानी समझो जहाँ परछाई पड़ती है उसका असर भी आ जाता है। आप ये समझो कि आदमी के अंदर वहाँ तक पहुँचने के बाद त्याग की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो मल जो होता है वहीं से निकलता है, तो वो जो गुदा स्थान है, गुदा चक्र है, उसको मोह नहीं होता है किसी चीज़ से, निकाल दो इसको बाहर। तो आदमी को मोह जब नहीं रहता है किसी चीज़ का तो त्याग कर देता है, त्याग की भावना आ जाती है। और आगे बढ़े, इंद्र द्वार पर पहुँचे, देखा ब्रह्मा सावित्री गायत्री सरस्वती ये सब बैठे, यहाँ आवाज़ भी होती रहती है। वहाँ पर समझो जैसे क्लिंग क्लिंग की आवाज़ यानी यहाँ होती है आपके गुरा चक्र पर, गणेश जी जहाँ बैठे हैं, हरम हरम की आवाज़ यहाँ हृदय में होती है। अब विस्तार में बताने का समय नहीं, और आज देख रहा हूँ मैं काफ़ी कुछ लोग आप नामदान लेने के लिए आए हो, इसलिए एक ही दिन सारा पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है, फिर तो असली चीज़ को आप भूल जाओगे। इसलिए जो सत्संग की बातें हैं, जो थोड़ा जानकार हैं उनको थोड़ा बता देता हूँ, जो सत्संग सुनते रहते हैं या जो किताबों को पढ़ते रहते हैं इधर उधर, जो सत्संगों में लोगों के किसी भी महात्मा के जाते रहते हैं उनके लिए ये बात तो मैं बता देता हूँ, बाकी नए लोगों के लिए तो अभी बताऊँगा आपको। तो अब आप ये समझो कि यहाँ पर दर्शन जब होता है चक्रों के भेदन करने में, प्राणों को खींचने में, तब शक्तियाँ भी आ जाती हैं। जैसे सरस्वती की शक्ति यानी इंद्र द्वार पर आती है, ऐसे ही समझो कि ऊपर के चक्रों के भेदन में भी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो मोटी बात आप ये समझो कि नाभि पर जब पहुँचे तो विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन किया, यानी समझो फिर हृदय चक्र पर जहाँ जब पहुँचे तो यहाँ पर शिव और पार्वती का दर्शन किया, उसके ऊपर जब यहाँ पहुँचे कंठ चक्र पर, इन चक्रों पर ये जो चक्र हैं ये कमल है, इनकी पंखुड़ियाँ हैं, चार पंखुड़ियाँ।
छह पंखुड़ी आप समझो, यानी ये 16 पंखुड़ी है ये यहाँ पर कंठ पर, जहाँ पर ये आद्या महाशक्ति बैठी हुई दिखाई पड़ती हैं प्राणायाम के ही समय पर। प्राणों को खींचना जिनको आ गया उनको दिखाई पड़ जाता है। आप समझो 16 दल कमर पर ये बैठी हुई हैं, यहाँ तक की शक्ति खींच करके लाते हैं, लेकिन आगे फिर बढ़ना मुश्किल हो जाता है उस क्रिया से, समझ लो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और बहुत बढ़े अगर आगे गए तो जीवात्मा को जब देखा, आत्म साक्षात्कार जब किया, तो आम ब्रह्मास्म बोल बैठे कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि अपनी पावर का एहसास हो जाता है। जीवात्मा ये क्या है, परमात्मा की अंश है, लेकिन आप जीवात्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, आप तो बस अपने शरीर के अंगों को देखते हो, चेहरे को देखते हो शीशे में कांच में। आप अगर ऐसे देखना चाहो नहीं देख सकते हो, चेहरे को भी नहीं देख सकते हो कि मैं कौन हूँ, ये तो कहोगे मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा नाक है और आप कौन हो, तो आप बगैर किसी चीज़ में अपने को देखे हुए नहीं बता सकते हो। तो आप समझो कि उसको भूल गए, जीवात्मा को भी भूल गए, परमात्मा को भूल गए, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने कहा मैं ही सब कुछ हूँ, पूरी पावर है जीवात्मा में। ये तो ये आकाश बना दे, धरती बना दे, या हवा चला दे, आप समझो ये पानी प्रकट कर दे, ये तो देवी देवताओं की रचना कर दे, इसमें इतनी ताकत है जीवात्मा में, इतनी शक्ति है। तो आप ये समझो ये जो क्रिया है, यानी अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाने का, प्राणायाम करने का, ये बहुत पहले का है। कब का? जब लोगों की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी, 10,000 वर्ष की होती थी, 1,000 वर्ष की द्वापर में होती थी, तब की ये क्रिया है। और अब कलयुग में 100 वर्ष पूरा हो पाना मुश्किल है, तो अब उसको करके कोई कैसे पार हो सकता है, इसलिए संतों का प्रादुर्भाव हुआ। आप ये समझो आना जाना ही कुछ दिन के लिए बंद हो गया, जब से कर्म बने, कर्म को जान ही नहीं पाए लोग कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और बुराइयाँ बढ़ती चली गईं। जैसे आज बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि देवता के मूर्ति के सामने जिंदा को नहीं चढ़ाना चाहिए, पत्थर की मूर्ति के सामने पेड़ पर जमीन पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और जीव को काट देते हैं, मुर्गा को काट देते हैं, भैंसा को काट देते हैं, अब बजाय फोड़े के और पाप से लग जाते हैं तो जान ही नहीं पाए। आप ये समझो तो कर्म खराब हो गए, और कर्मों की सजा तो मिलती मिलती है, किसी को जान के कोई मार दे या अनजान में उसे मर जाए, गैर इरादतन मर जाए, लेकिन सजा तो दोनों में होनी होनी है। अगर आदमी मरा तो आदमी मारने की सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। ऐसे पाप चाहे अनजान में हो चाहे जान में, उसकी सजा तो भोगनी पड़ती है। अब आप ये समझो कि लोग कहते तो हैं कथावाचक लोग जो प्रवचन करते हैं सुनाते हैं कि बुरा मत करो, बुरा करोगे नट जाओगे, अच्छा करोगे सब जाओगे, ये बताते तो हैं, लेकिन बुरा अगर हो गया किसी के अनजान में तो नर्क तो जाना पड़ेगा, अब उसकी माफ़ी कैसे होगी ये कोई नहीं बताता है। इसको संतों ने बताया, हमारे गुरु महाराज जैसे ने बताया, और बहुत से लोगों के कर्मों को काट दिया उन्हें। कर्म काटने का तरीका होता है, जिस तरह से कर्म बनते हैं ऐसे कर्म काटे जाते हैं। देखो इतिहास उठाकर देख लो, जो शरणागत हो गया, संतों के समर्पित हो गया, अपने को भूल गया मैं कौन हूँ, ये भूल गया कि ये मेरी दुनिया है, ये भूल गया, ये भूल गया ये मेरे बच्चे, मेरी जमीन जायदाद, ये मेरा धन, ये यानी मेरा नहीं है, जो कुछ हैं सब गुरु हैं, कहते हैं ना सब कुछ आप हो, सब आपको समर्पित है, यानी भोग लगाते हैं तो कहते हैं कि तुम ही यानी समझो तुम्हारा ही सब कुछ है, ये लो आपका दिया हुआ आपको अर्पित है। आप ये समझो कि उनके कर्मों को, यानी समझो कि 100 साल के पीछे के कर्मों को,
एक घंटे के सपने में संतों ने कटवा दिया। इतिहास इस चीज का बताता है। और कर्म अगर रहते हैं तो कर्मों की सजा, एक जन्म में अगर नहीं भूत पाया तो जन्मने की पीड़ा, रोता हुआ देखो बच्चा पैदा होता मरता है छटपटा छटपटा करके, जन्मने और मरने की पीड़ा झेलने के बाद फिर आप ये समझो दूसरा जन्म लेने पर भोगना पड़ता है, उसी को कहते हैं संचित कर्म। पिछले जन्म के कर्म को देखो बहुत से लोग भोगते हैं और कहते हैं भाई ये बड़े आदमी हो गए, ये अच्छा खाते अच्छा पहनते हैं, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, ये पंडित हैं, ये मुल्ला हैं, पुजारी हैं, ये हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, सन्ना सेठ हैं, लोग कहते हैं, और हम गरीब हैं। तो ये सब कर्मों का फल होता है, पिछले जन्मों का कर्मों का फल। तो कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण से कि ये बताओ कि मैं अंधा क्यों हो गया। बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। बोले इस जन्म में तो हमने कोई बुरा कर्म किया नहीं। बोले पीछे जन्म में कहा 100 जन्मों का मुझे याद है, 100 जन्म पीछे मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। तो बोले कि और पीछे जाओ देखो याद करो, और पीछे देखा उन्होंने तो 106 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म बन गया था उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। तो अब आप ये समझो, इसीलिए तो कहा गया कि मनमुख नहीं बनना चाहिए गुरुमुख बनना चाहिए। गुरुमुख इसको कहते हैं जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। मन तो कर्मों को बनाने का, शरीर से अपराध कराने का काम करेगा जिससे कर्म बन जाएंगे, लेकिन गुरु के वचन अगर याद रखेंगे तो आचार विचार आहार व्यवहार सही रहेगा, खान पान चाल चलन सब सही रहेगा, मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रहेगा। तो आपको प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि कर्म लोगों के हो गए खराब, और कर्म जब लोगों के खराब हो गए तो नरकों में जाने लगे। जीव तो सब उसी के हैं, परमात्मा के हैं, सकल जीव में उपजाया सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया उसी की हो रही। तो जब आप समझो कि देखा उसने कि रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं तड़प रहे हैं, याद कर रहे हैं प्रभु को कि आपने हमको भुला दिया, हम तो यहाँ फंस गए, अब हमको निकालो दया करो हमारे ऊपर, तब उन्होंने संतों को भेजा। खुद नहीं आते लेकिन ताकत पूरी दे करके संतों को भेजते हैं, और संत भी माँ के पेट में ही बन करके आते हैं, पैदा होते हैं 9 महीना उनको भी तकलीफ झेलनी पड़ती है, लेकिन वो तकलीफ अपने लिए नहीं झेलते हैं, दूसरों के लिए झेलते हैं, परमार्थी काम के लिए आते हैं। परमार्थ किसको कहते हैं, स्वार्थ किसको कहते हैं, एक रोटी किसी को खिलाओ तो 2 रोटी की खाने की उसके यहाँ जा कर के इच्छा रखो तो वो क्या होता है, स्वार्थ होता है। परमार्थ क्या होता है, जिसको रोटी खिला दो उससे आपको इच्छा न रखो, वैसे को खिलाओ जो आपको कभी खिला न पाओ, तो वो होता है परमार्थ। तो परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कब होने फल बकाए, नदी ने संचय नीर। देखो पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, ऐसे संत अपने लिए तकलीफ नहीं झेलते हैं, दूसरों के लिए तकलीफ झेला करते हैं। तो माँ के पेट से ही पलते हैं, बाहर निकलते हैं। कोई अगर कहे सीधे पैदा हो गए, कमल से पैदा हो गए, फूल से पैदा हो गए, कोई कहे जमीन फाड़ कर निकल आए, जल से प्रकट हो गए, ये गलत बात। सिस्टम सब एक ही है, जो भी उस मालिक का बनाया हुआ सिस्टम है सब के लिए एक जैसा है। माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, लेकिन जब पैदा होते हैं तो ऐसे ही साधारण बच्चा होते हैं। जब शरीर छोड़ने को भी होता है तो साधारण शरीर भी ऐसे ही रह जाता है, ऐसे ही जैसे और के शरीर का सड़न गलन होने लगता है अगर संस्कार न करो तो उनका भी उसी तरह का हो जाता है। लेकिन जब तक जीवात्मा ताकत में रहती है तब तक शरीर के अंगों में उनके अन्य लोगों के अंग से बदलाव रहता है। बोली से लोग प्रभावित होते हैं, देखने से प्रभावित होते हैं, समझाने से प्रभावित होते हैं, हाथ से दया ले लेने पर प्रभावित होते हैं, वो प्रभाव एक अलग रहता है। तो संतों को भेजा, और संत जब आने लगे
तब ये जिनका देश है, काल का देश है, उन्होंने बहुत तरह से आने समझो कि आने के लिए इनसे प्रार्थना किया, मना किया, न जाओ तकलीफ होगी, लेकिन बोले नहीं मुझे तो जाना ही है। तो कुछ शर्त भी रखी थी सतपुरुष से। अब देखो ज़्यादा बताने का समय नहीं है, अगर आप लोग सत्संग सुनने की आदत डालोगे तो यूट्यूब पर भी पड़ा रहता है और चैनल पर भी 8:40 पर सुबह आता है, तो उसमें पीछे बहुत सत्संग पड़े हुए हैं, जगह जगह पर सुनाए गए हैं, उससे आपको बहुत सारी बातों की, आध्यात्मिक बातों की जानकारी प्रेमियों हो जाएगी। तो कहते हैं कि आप जो जिस योनि में है उसी में खुश रहे, ऐसा वरदान हमको वरदान मांगा था उसने सतपुरुष, शक्ति नहीं थी इधर, यानी समझो जीवात्माओं की रचना करने की शक्ति नहीं थी, लोक तो बना दिया था लेकिन शक्ति नहीं थी, तब जीवात्माओं को मांगा था, तो ये घबराई थी और कहा था हम निकालने के लिए संतों को भेजेंगे, तो कहा था कि वे अपने साथ को नहीं ला सकते, उनको युक्ति बता करके उन्हीं के द्वारा यानी समझो कि मेहनत करा करके पार कर सकते हैं। कई चीज़ें मांगी थी आप जो फिर कभी सुनाऊँगा आपको। तो आप ये समझो जब संत आते हैं तो क्या करते हैं, चताते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, अरे तुम अपने पिता को भूल गए, परमेश्वर जिसको पति कहा गया उसको भूल गए, तुम अपना घर भूल गए, ये मिट्टी और पत्थर का घर ये तुम्हारा घर नहीं है, इसी को बाप दादा कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, सोचो ये घर तुम्हारा कैसे होगा, अरे देखो एक से एक राजा चले गए, महाराजा चले गए, शेर साहूकार चले गए, पंडित मुल्ला पुजारी चले गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक से एक चले गए, अरे तुमको भी जाना है, कमर कस के रखो अपना यानी झोला झंझा कहते हैं तैयार रखो, बिस्तर बांध के रखो, तो बिस्तर बांध के तो नहीं ले जा सकते हो क्योंकि इतने पतले रास्ते से माँ के पेट में डाले गए हो, ये जीवात्मा डाली गई है कि उसको देख ही नहीं सकते हो, ना उस रास्ते को ना जीवात्मा को, और रास्ता ये कही है जीवात्मा के डालने का निकलने का, तो इन बाहरी आँखों से देखने वाली चीज़ को कैसे ले जा सकते हो। ये जरूर है कि उठाओ, क्या उठाओ, ये जो काम क्रोध, ये जो सारी चीज़ों को ये फैला रहा है, विस्तार कर रहा है मन है, इसको उठाओ। उठाने के लिए कहा तो कहा कि इसको उठाओ, किधर लाओ, ऊपर की तरफ खींचो, कि जिससे मन का खिंचाओ इधर से हटे, ऊपर की तरफ आओ, बोलिया बिस्तर का मतलब हर समझो कि बातों का कोई ना कोई अर्थ मतलब होता है, जितनी कहावतें बनी हैं इनका कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं। पहले 15वें दिन महीने में जब लोग महात्माओं के आश्रमों पर जाते थे तो बहुत सारी जानकारी उनको सत्संग में मिल जाती थी, लेकिन अब आने जाना बंद हो गया, अब तो बस वही खाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, बस यही लोगों का निशाना बन गया। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि आते हैं तो चेताते हैं और कहते हैं भाई शरीर के लिए ही, बच्चों के लिए ही सब कुछ करने में मत लगे रहो, तुम कुछ अपनी आत्मा के लिए ही भी करो, यही न सोचो कि हम बच्चों की परवरिश के लिए, परिवार की परवरिश के लिए, यश के लिए, नाम के लिए ही हम पैदा हुए हैं, ये तो सब इस शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है, बच्चे शरीर के साथ जुड़े हैं, धन संपत्ति शरीर के साथ जुड़ी हुई है, मान प्रतिष्ठा इज्जत किसको मिलता है, शरीर को ही तो मिलता है, आप समझो मत्था को तो कोई, जिसको ब्रह्मांड कहा गया इसको तो कोई प्रणाम करता नहीं है, पैर छूकर ही लोग प्रणाम करते हैं, गाड़ी घोड़ा लोग खरीदते हैं कि इज्जत बढ़ेगी, जाते हैं तो शरीर को ही लोग बैठाते हैं, ऊंची कुर्सी देते हैं, कहते बड़े आदमी हैं सलाम कर लो, पहचाने न चाहे, लेकिन 2 करोड़ रुपये गाड़ी बढ़िया पर्सनालिटी वाला आदमी कोट पैंट टाई या कुर्ता धोती टोपी लगा के पहुँचा तो उसको ऐसे भी लोग सलाम कर लेते हैं, बड़ा आदमी होगा, तो किसको सम्मान मिलता है, शरीर को मिलता है, और शरीर का संबंध बस यानी कुछ ही समय का है, तो जीवात्मा के लिए कुछ करो। तो गुरु महाराज हमारे जैसे संत हुए तो क्या कहा, 22 घंटा शरीर के लिए काम करो और 2 घंटा अपनी आत्मा के लिए समय निकाल लो। शुरू में
तो समझो कि गुरु महाराज भी नामदान देते समय इकरारनामा भरवाते थे कि हम 3 घंटा बैठ करके भजन करेंगे, तब नामदान देते थे। 3 घंटा समय लेते थे, उसके बाद 2 घंटा कर दिए। और हम तो कहते हैं आप एक ही घंटा करो। करो तो बहुत से लोग तो करते ही नहीं, पुराने नामदानी इसमें बैठे हैं, मौका मिला तब कर लिए। कोई रोज करता है, आदत तो है, लेकिन मन कहाँ क्या करता है ये तो करने वाले ही जानते हैं। अब हमको पोल मत खोलने दो। तो अब आप ये समझो, मन अगर नहीं लगा, हाथ में माला चलता रहा, तो यह तो सुमिरन ना ही। सुमिरन करो, लेकिन मन कहीं कुछ और सुमिरन करे, याद करे। सुमिरन का मतलब क्या होता है? याद करना होता है। तो माला तो आपके हाथ में है, और याद कहाँ है? खेत में, खलिहान में, पराठा बेलने में, कलौंजी बनाने में, मन तो उधर है। तब आप उसका सुमिरन करते हो कि जिसका नाम ले रहे हो उसका सुमिरन करते हो, याद करते हो? कुछ लोग तो सुमिरन न ध्यान न भजन कुछ नहीं, आते जाते हैं, कई तरह की जीव आते हैं सत्संग में। कुछ तो बराबर सुमिरन ध्यान भजन भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, और कुछ सुमिरन कर लेते हैं, मौका मिला थोड़ा बहुत ध्यान कर लेते हैं, बाकी सेवा टूट करके करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि सुमिरन भी कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान भजन भी कर लेते हैं, सेवा करने में शर्म करते हैं, शर्म कि हम बड़े आदमी हैं, झाड़ू कैसे लगावें, बर्तन कैसे धोवें, ये भोजन कैसे बनावें, भोजन कैसे परोसें, इसको छोटा काम समझते हैं। आप ये समझो, कुछ ऐसे होते हैं कि लगन के पक्के होते हैं। अगर कोई गुरु महाराज को गाली दे दे तो चढ़ बैठेंगे, मार करके हाथ पैर तोड़ देंगे, लेकिन न सुमिरन करते हैं, न भजन करते हैं, कुछ नहीं करते, न सेवा करते हैं, लगन के तो पक्के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि लोटा आप लोगों ने देखा होगा, तो एक लोटा में नीचे पेंदी होती है, ऐसे आराम से ऐसे बैठ जाता है, इसको पैर कह लो या पेंदी कह लो। एक ऐसा लोटा होता है जिसमें वो सेट होने के लायक नहीं होता, तनिक सा ऐसे हिला दो तो उधर चला जाए, इधर हिला दो तो इधर चला जाए। तो ये कुछ बेपेंदी के लोटा होते हैं। और चलो चलो वहाँ सत्संग है, महाराज जी आ रहे हैं तो यहाँ भी चले आएंगे, फिर कहीं गए चलो वहाँ मजार पर चादर चढ़ाया हो तो वहाँ भी चले जाए, तो देवी की पूजा नवरात्रा रहे वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाएंगे, फिर कहेंगे उनका प्रवचन है तो वहाँ चले जाएंगे। तो अब आप ये समझो, वो बेपेंदी के लोटा होते हैं, तो ये बेपेंदी के लोटा वालों का, भजन ध्यान सेवा न करने वालों का तो दया ही मालिक होते हैं, उनके मालिक गुरु नहीं बनते हैं, ये बात समझ लो। दैव किसको कहते हैं? दैव उन्हीं ईश्वर को कहते हैं जिनका ये लोक है, जिनका ये दिया हुआ शरीर है, उनका मालिक वही रहते हैं। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600070। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।